Good morning students, welcome to SGTB School. Students, as we were doing our chapter number 11, mensuration. In the previous video, we did exercise 11.3. In today's video, we'll start exercise 11.4. In the exercise 11.4, we were uh, we will talk about volume of cuboid, volume of cube, and the volume of cylindrical shapes. In the previous video, we already discussed about the formulas of the volume. सो लेट स्टार्ट दिस एक्सरसाइज आपको क्वेश्चन नंबर वन नहीं करना है स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर टू से डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ए इज़ सेवन सेंटीमीटर हमें दो एक दिया हुआ है कि एक शेप है और एक शेप बी है सिलेंडर ए का जो डायमीटर है वो क्या है सेवन सेंटीमीटर एंड द हाइट इज़ फोर्टीन सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर बी सिलेंडर जो बी है उसका डायमीटर कितना है फोर्टीन डायामीटर उसका फोर्टीन है और हाइट क्या है उसकी सेवन सेंटीमीटर तो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज़ ग्रेटर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं किए बिना आप बता सकते हैं किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा एंड वेरीफाई इट्स बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर और आप अपने आंसर को कैसे वेरीफाई करें बोथ द सिलेंडर्स के वॉल्यूम uh, को कैलकुलेट करके एंड चेक वेदर द सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम हैज द ग्रेटर सरफेस एरिया और ये भी चेक करें कि जिस वॉल्यूम जिस शेप का जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स और uh, जैसे कि इन्होंने बोला था कि विदाउट कैलकुलेशन तो आप गेस करके देखो कि इसका बेस सिर्फ सेवन है इसका बेस फोर्टीन है मतलब बेस बहुत ज़्यादा हो गया इसकी हाइट फोर्टीन है इसकी हाइट सेवन है इसकी हाइट हाफ हो गई तो अकॉर्डिंग टू मी इसका ज़्यादा बड़ा बेस होगा ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा चीज़ ले सकता है तो अकॉर्डिंग टू मी इसका बी का वॉल्यूम ज़्यादा है तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे लेट स्टार्ट है लुक ऑन दिस सम आप क्या राइट करेंगे पहले सिलेंडर ए के लिए कर रहे हैं हम दिस वन सिलेंडर है फिगर ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में रेडियस सेवन थी हम क्या करेंगे इसके हाफ डायमीटर मीटर था सॉरी सेवन तो रेडियस कर लेंगे थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर हाइट है फोर्टीन सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच वैल्यू पुट करेंगे आर स्क्वायर मीन्स आर टू टाइम्स है कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा फाइव थर्टी नाइन सेंटीमीटर क्यूब याद रखना वॉल्यूम के लिए क्यूब पुट करते हैं अब इसका सरफेस एरिया भी उन्होंने बोला तो सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ही फाइन करेंगे टू पाई आर एच टू पाई आर इंटू एच प्लस आर सेम वैल्यूज पुट करके हमने सरफेस एरिया फाइंड कर लिया है थ्री एटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर सिलेंडर बी के लिए रेडियस थी फोर्टीन डायमीटर था फोर्टीन तो रेडियस हो जाएगी सेवन हाइट भी सेवन फिर हम इसका क्या फाइंड करेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर एच वैल्यूज पुट करेंगे आंसर जो है हमारा मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब हमारा जो क्या था सिलेंडर ए का वॉल्यूम था 539 सेंटीमीटर क्यूब सिलेंडर बी का क्या है वन थाउजेंड सेवेंटी एट सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम तो किसका ज्यादा है सिलेंडर बी का अब सरफेस एरिया भी हम निकाल लेते हैं सिलेंडर बी का सेम फॉर्मूला से टू पाई आर इन टू एच प्लस आर वैल्यू पुट करने पे आंसर आ जाएगा सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वायर तो देखो वॉल्यूम किसका ज़्यादा है सिलेंडर बी का बट डज वॉल्यूम बी हैविंग द ग्रेटर वॉल सिलेंडर बी हैविंग द ग्रेटर वॉल्यूम और उन्होंने बोला सरफेस एरिया ऑफ कोर्स सरफेस एरिया ए का थ्री एटी फाइव सेंटीमीटर है स्क्वायर और बी का कितना है सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटीन सेंटीमीटर तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका सरफेस एरिया भी यहाँ पे क्या आ रहा है ज़्यादा ही आ रहा है आई होप आपको समझ में आ गया होगा उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हमें क्यूबॉइड की हाइट फाइंड करनी है हुज बेस एरिया इज वन एटी सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम इज नाइन हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब हमें क्या गिवन है एक सिलेंडर क्यूबॉइड है जिसका हमें बेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम गिवन है तो आप इसे कैसे करेंगे आप सबसे पहले राइट करेंगे बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वन एटी सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड नाइन नाइन हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब यूनिट्स का ध्यान रखिएगा एरिया में स्क्वायर लगता है वॉल्यूम में थ्री लगता है मतलब क्यूब हाइट ऑफ द क्यूबॉइड निकालनी है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है एल इन टू बी मल्टीप्लाई एच हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पता है एल इन टू बी प्लाई एच एल और बी एल मल्टीप्लाई बी क्या होता है सरफेस एरिया होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है किसका रेक्ट का सो बेस एरिया हम उसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई हाइट क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको गिवन है नाइन हंड्रेड बेस एरिया भी आपको गिवन है मीन्स आपको क्या गिवन है एल और बी दोनों की वैल्यू गिवन है मल्टीप्लाई करके वन एटी हाइट गिवन नहीं है वन एटी यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में तो नाइन हंड्रेड डिवाइड में वन एटी एच की वैल्यू फाइंड हो जाएगी वाई फाइव सो द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज फाइव सेंटीमीटर आंसर इसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ अब इज ऑफ अ डायमेंशन एक बड़ा क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन ये है उसको हमने क्या किया है छोटी उसमें से छोटी छोटी क्यूब्स बना दी हैं जिनकी साइड क्या है सिक्स सेंटीमीटर तो हमें बताना है कि इतने बड़े क्यूब में से इस सेंटीमीटर साइड की कितनी क्यूब्स बन जाएंगी छोटी छोटी तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सबसे पहले जो हमने छोटी क्यूब बनाई है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं साइड ऑफ द क्यूब इज सिक्स सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है ए थ्री होता है सिक्स थ्री सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स आंसर इज टू हंड्रेड सिक्सटीन सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा एक छोटी क्यूब का क्या है वॉल्यूम उसके बाद हमारे पास जो टोटल क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो कितना है लेंथ ऑफ द क्यूबॉयड ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड राइट कर लिया फॉर्मूला एल इन टू बी मल्टीप्लाई एच सिक्सटी मल्टीप्लाई फिफ्टी फोर मल्टीप्लाई थर्टी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा नाइन सेवन टू डबल जीरो पे बाई चांस बाई मिस्टेक राइट नहीं किया था मैंने नाइन सेवन टू जीरो मतलब नाइन सेवन टू डबल जीरो सेंटीमीटर क्यूब उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा था नंबर ऑफ बॉक्सेस नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे तो हमें क्या करना होगा जो हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम है उसको किससे डिवाइड कर दें हम क्यूब के वॉल्यूम से क्या कर दें क्यूबॉइड के वॉल्यूम को किससे डिवाइड कर दें क्यूब से तो क्यूबॉइड नंबर ऑफ बॉक्सिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका है नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सॉरी नाइन्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड को हमने डिवाइड किया वन क्यूब का कितना था टू हंड्रेड सिक्सटीन से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा फोर फिफ्टी क्यूब्स सो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बन जाएंगे फोर फिफ्टी क्यूब्स आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा वॉच द वीडियो केयरफुली एंड डू द सम नंबर टू थ्री एंड फोर इन एलेफ एन बी थैंक यू एंड हैव नाइस डे